नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएफएफ न्यूज में। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक खुलकर बोलने वाले फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के कुछ पुराने लेटर भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर लीक कर दिए हैं। ये वो लेटर हैं जिनके जरिए अनुराग कश्यप ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से फिल्म बनाने के लिए फंड मांगा था। चिट्ठी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। शलभ ने चिट्ठी की कॉपी शेयर करते हुए लिखा है, पिटी हुई फिल्मों के लिए सरकारी भीख न मिली तो अनुराग कश्यप कुंठित होकर गाली गलौज पर उतर आए। कुछ सरकारें इन फ्लॉप फिल्मों पर भी करोड़ों रुपए देती थी। यश भारती के पेंशन की शहद भी चटाती थी। योगी जी ने मुफ्त की पेंशन बंद कर पैसा गरीबों, विधवाओं, किसानों में बांट दिया, यही चिढ़ है इनकी। दोस्तों बता दें, यूपी बीजेपी के नेता अनुराग कश्यप के ट्विटर पर लिखे जा रहे शब्दों को उत्तर प्रदेश में उनके फिल्मों के लिए मांगी गई सब्सिडी से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि अनुराग ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते हुए हमलावर दिखाई पड़ते हैं और कई बार उन्होंने अपने ट्वीट्स में बीजेपी नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही ये चिट्ठियां लीक हुई, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई और वायरल होते ही अनुराग कश्यप का भी जवाब आ गया। अनुराग कश्यप ने कहा, बीजेपी उन्हें हर साल बुलाती है लेकिन वो नहीं जाते हैं। उनका कहना था कि पिछले साल ही उन्हें 3 बार बुलाया गया था लेकिन वो नहीं गए। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ दूसरी तस्वीरें शेयर की और लिखा, भक्तों के लिए, हर बार बुलाते हैं, 3 बार पिछले साल नहीं गया क्योंकि पहली बार में दिख गया था क्यों बुलाते हैं। इतना आत्मसम्मान अभी जिंदा है, जिनकी चिट्ठियों की कॉपियां मेरे पास भी हैं। दोस्तों को बता दें कि फिल्म मसान के लिए अनुराग कश्यप को सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी और उसी उम्मीद में अनुराग कश्यप ने फिल्म मुक्केबाज और सांड की आंख के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान की मांग की थी। लेकिन कई औपचारिकताओं के पूरी न होने की वजह से तब योगी सरकार ने दोनों फिल्मों में से किसी भी फिल्म के लिए अनुदान नहीं दिया था, जबकि इसी उत्तर प्रदेश से अनुराग कश्यप को 2016 में मसान के लिए 2 करोड़ मिल गए थे। तब प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी। दोस्तों बताते हैं कि आखिर किसी फिल्म को कोई भी राज्य या कोई भी प्रदेश जो है अनुदान किन सूरतों में देता है या किन सूरतों के तहत कोई भी फिल्म निर्माता किसी राज्य से इस अनुदान की मांग करता है। अनुराग कश्यप ने जो उस वक्त लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि फिल्मों के ज्यादातर हिस्से उत्तर प्रदेश में फिल्माए गए हैं, इसका कथानक और पात्र उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के सरकारी नियमों का हवाला देकर तब अनुराग कश्यप ने फिल्म के लिए सब्सिडी की मांग की थी, जिन्हें अलग अलग पैरामीटर्स पर परखने के बाद कोई भी प्रदेश फंड को रिलीज करता है। इसी नियम के तहत 2016 में अनुराग कश्यप को फिल्म मसान के लिए अनुदान मिल चुका है, लेकिन योगी सरकार ने 2 फिल्मों के लिए मांगे गए सब्सिडी में से किसी पर भी कोई पैसा नहीं दिया और बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर अनुराग कश्यप को परेशानी है और यही वजह है और इसी के तहत बदला लेने की मंशा से वो सोशल मीडिया पर लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार को अलग अलग मुद्दों को लेकर घेरते रहते हैं और लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं। वेल दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है नीचे अगर कमेंट सेक्शन में भी बात लिखें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल HFF न्यूज को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।